गाइज, आज के इस वीडियो में हम दो एडवांस स्ट्रक्चर कवर करेंगे। फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर, गाइज हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस का बहुत यूज करते हैं जहां पर हम कहते हैं कि अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहां पर हम फ्रेज यूज करते हैं जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नीडलेस, नीडलेस। चलिए इसको यूज करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा नीडलेस, इसके बाद टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू गो एनीवेयर नाउ, नीडलेस टू गो एनीवेयर नाउ। समझाने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू कन्विंस, नीडलेस टू कन्विंस। ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू क्राई मोर, नीडलेस टू क्राई मोर। कहने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू से, नीडलेस टू से। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भारत का निवासी हूँ, वो जापान का निवासी है। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, चलिए देखते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वेयर आर यू अ नेटिव ऑफ, वेयर आर यू अ नेटिव ऑफ। मैं भारत का निवासी हूँ, आई एम अ नेटिव ऑफ इंडिया, आई एम अ नेटिव ऑफ इंडिया। वो जापान का निवासी है, ही इज नेटिव ऑफ जापान, ही इज नेटिव ऑफ जापान।